हाँ तो भाई क्या होते हैं रेस? एप्सिलॉन। ठीक तो यहाँ पर देखिए कि हमने मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम पढ़ रहे होते हैं ARR, AYs, S, एरेज, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे आप तो उसमें टॉपिक जो एरेज का होगा ना, बेसिकली वो डिस्कस करेगा इसी चीज को जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसने जो एरेज के लिए आपको बताई है, अब ये गौर से पढ़िएगा, फिर आखिर में क्वेश्चन आंसर भी होने आपसे ना। तो यहाँ लिखा है होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। क्या लिखा हुआ है? होल्ड मल्टीपल मतलब एरे एक एलिमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने की, स्टोर करने की सलाहियत रखता है। सही, ये एरेज की एक डेफिनेशन है। अब आपसे क्वेश्चन है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए या ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो एक वक्त में सिंगल वैल्यू को होल्ड करने की सलाहियत रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या बोल रही? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही, तेज तो बोले। गेट लाइन। अच्छा, गेट लाइन कहते हैं, चले ठीक है। इंटीजर्स कहते हैं। आगे तीनों का एक ही इलाक है, और मशवरा कर लें। क्या कहते हैं उसको? हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो प्लूरल है, मतलब जो वेरिएबल का एडवांस वर्जन है, उसको हम कहते हैं एरे। वेरिएबल में लिमिटेशन ये है कि वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, और एरे एक वक्त में मल्टीपल कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। शर्त ये है कि वो वैल्यूज की जो डेटा टाइप है, जो इकसाम है, जो किस्म है, वो सेम होनी चाहिए। सेम से मतलब इंटीजर्स हैं तो इंटीजर होनी चाहिए, कैरेक्टर हैं तो कैरेक्टर होने चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इज दैट क्लियर? चले अब चलते हैं आगे। तो यहां पे कह रहा है एरे होल्ड मल्टीपल वैल्यूज कंसेप्ट। एन एरे अलाउज यू टू स्टोर एंड वर्क विद मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप। जो मैंने अभी आपको बात उर्दू में समझाई है, कोई बात ये आपको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट दे रहा है समझने के लिए। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि क्योंकि वेरिएबल एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास जो नया वर्जन है वो है एरे, जो कि कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, लेकिन एक डेटा टाइप होनी चाहिए उसकी, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर इसने आपको समझाया है एग्जाम्पल के जरिए कि देखिए, अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है जो इंटीजर टाइप का होगा, तो पहले आप कमांड लिखेंगे इंटीजर INT, इससे आप बताएंगे कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है INT, अगर फ्लोट है फ्लोट, अगर चार है तो चार बताएंगे, और इसके आगे बताएंगे इसका नाम, जैसे काउंट, प्राइस, लेटर, ये तीनों हमने वेरिएबल के नाम बताए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर हुई 123 14, और इसमें 56.981 और इसमें ए, लेकिन लिमिटेशन ये कि ये एक वक्त में एक ही वैल्यू रखेगा, अगर आप कोई और वैल्यू डालेंगे तो ये वाली खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू इस पे असाइन हो जाएगी इन वेरिएबल में, ये एक लिमिटेशन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एरे भी वर्क करता है वेरिएबल की तरह, पर ये एक से ज्यादा वेरिएबल से मिलकर बनता है और एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, लेकिन सेम टाइप की। तो यहाँ पर इसने आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करके बताया है कमांड के जरिए, कि इसने INT और इधर लिखा है इसने एरे का नाम, और उसके आगे ये जो बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम क्या कहेंगे? साइज डिक्लेरेटर। साइज डिक्लेरेटर, साइज बताने वाला, साइज डिक्लेरेटर। तो यहां पर ये इसकी टाइप हो गई, ये इसका एरे का नाम हो गया, और ये साइज डिक्लेरेटर आ गया। और साइज डिक्लेरेटर के अंदर जो 6 बताया है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? और ये जो है उसकी टाइप को क्या करेगा, क्या करेगा, उसके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा कि इस एरे के क्या साइज होगा और इसके नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट से एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा जिसके मेंबर्स कितने होंगे? 6। तो मैंने आपको बताया यहां पे हम इसको कहेंगे साइज डिक्लेरेटर।
अच्छा, अब यहाँ पर ये साइज डिक्लेरेटर के साथ आपने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है डेज, जिसकी टाइप है इंटीजर और उसके मेंबर होंगे 6। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आते हैं ये मेमोरी में ये किस तरह से प्रोड्यूस होगी। ये समझाने के लिए मेमोरी में इस तरह से ब्लॉक क्रिएट होंगे और इन ब्लॉक्स में यहाँ लिखा जाएगा एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5। ये ब्लॉक खाली होंगे ये 6 और इनका नाम होगा डेज। और पहले वाले ब्लॉक को, अब ब्लॉक की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एलिमेंट को हम कहेंगे ये एलिमेंट 0 है और ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है, 4 है, 5 है, सही है। ये सारे इन एलिमेंट्स के नाम हैं, डेज 0, डेज 1, डेज 2, डेज 3, डेज 4, डेज 5। स्पोकन नंबरिंग सिस्टम में हम कहेंगे ये पहला एलिमेंट है, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए हम कहेंगे ये डेज 0 है क्योंकि वो स्टार्ट करता है 0 से। मशीन हर चीज को समझना शुरू करती है किससे, 0 से, और हम उसको कहते हैं 1 से। तो किसी भी एरे का पहला एलिमेंट ऑलवेज डिक्लेयर होगा 0 से, ठीक है, असाइन भी 0 से होगा और उसको आउटपुट भी 0 के साथ लेंगे, लेकिन कहने में हम कहेंगे ये 1 है, एलिमेंट 1 है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ओके, अब यहां पर देखिए इसने कमांड लिखी है const int, const, const int, ठीक है, ये कमांड है constant int, और यहां पे एक नाम लिखा है और यहां पे असाइनमेंट लगाया है और यहां पर एक वैल्यू रखी है। अगर किसी को आइडिया हो पिछली क्लास का तो ये कमांड क्या एक्शन परफॉर्म करेगी मुझे बता दे। हाँ बताए जनक, तुम बताओ। इब्राहिम याद, आप बता दें। इस कमांड से ये हो रहा है कि एक नेम्ड कांस्टेंट डिक्लेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? नेम्ड कांस्टेंट डिक्लेयर हो रहा है। इस नेम्ड कांस्टेंट का नाम उसने रखा है num underscore days, ये है कांस्टेंट, पर कांस्टेंट का एक नाम रख दिया। नाम क्यों रखा है? देखें छोटे नंबर तो हमें याद हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, लेकिन अगर एक बड़ी वैल्यू है 73,299.5, अब ये याद तो नहीं होंगी ना, तो हम उसका कोई नाम रख देंगे। लेट सपोज उसका नाम हमने रख दिया प्राइस ए, लेवल बी गोल्ड, सिल्वर, प्लॉट। तो हम क्या करते हैं, नंबर को वैल्यू, जो नंबर वैल्यूज हैं उनको किसी नाम से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि वो इजीली हमें याद रहे। तो ये आपको बता रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एरे को डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के जरिए भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसको दूसरे तरीके से ये है कि एक कॉन्स्टेंट बनाए, उस कॉन्स्टेंट का नाम रखें, उस कॉन्स्टेंट का एक नंबर रखें जो भी वैल्यू है 6, 8, 10, 12, और जब एरे को डिक्लेयर कर रहे हो तो एरे की टाइप बताएं, एरे का नाम बताएं, और इन साइज डिक्लेरेटर के अंदर बजाय 6 लिखने के जो कांस्टेंट डिक्लेयर किया है वो टाइप कर दें, सही है। ये शर्त भी है कि एरे का जब भी साइज डिक्लेयर करेंगे या तो आप डायरेक्ट नंबर बताएंगे या फिर आप उसके अंदर कांस्टेंट बताएंगे, वेरिएबल नहीं बता सकते क्योंकि वेरिएबल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे चलें, अब ये बता रहा है कि आप मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल बता सकते, एरे बना सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जितने किस्म के वेरिएबल बना सकते हैं उतने ही किस्म के एरे बना सकते हैं। जैसे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनता है तो फ्लोट टाइप का एरे बन सकता है। इसमें साइज डिक्लेरेटर में हमने 100 मेंबर्स बताए, 100 एलिमेंट्स, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप में 10 और लॉन्ग में 50 और डबल में ये, ठीक है, 1200। इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं विद साइज डिक्लेरेटर। अब कौन सा एरे मेमोरी में कितनी जगह लेगा ये सवाल है, मेमोरी में कौन सा एरे कितनी जगह लेगा। तो इसका जवाब ये है, जो वेरिएबल मेमोरी में जितनी जगह लेता है उसके साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे मेंबर्स ऑफ एरे से। कैसे, ये देखिए यहां पर हमें एक चार्ट में समझने को मिलेगा कौन सा वेरिएबल कितनी जगह मेमोरी में कंज्यूम करता है। अगर हम एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में ये 1 byte कंज्यूम करता है। अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो ये मेमोरी में 4 byte कंज्यूम करता है। अगर हम एक डबल वेरिएबल बनाते हैं
प्री मेमोरी में 8 बाइट क्लियर करता है। ठीक है, अब आपने एक फ्लोट एरे बनाया, फ्लोट एरे का नाम, उसके मेंबर, तो ये कितनी जगह कंज्यूम करेगा मेमोरी में? भाई फ्लोट वेरिएबल कितनी जगह लेता है मेमोरी में? 4 बाइट, 4 बाइट मल्टीप्लाई बाय इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने मेमोरी में बाइट ले लेगा ये? 48। सिमिलरली अगर ये 1000 लेता है तो 1000 इनटू 8 कितने बनेगा? 8000 बाइट्स कंज्यूम कर लेगा मेमोरी में। ठीक है, इस चार्ट के जरिए हम इसको इजीली समझ सकते हैं। अब आते हैं एरे को हम एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेसिंग मतलब एक्सेस करने का मतलब है एरे के जो एलिमेंट है उनको कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर असाइंड यूनिक सबस्क्रिप्ट्स, एक नया वर्ड आ गया सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट हम किसे कहते हैं? ठीक है, असाइनमेंट का मतलब होता है जब हम उनके एलिमेंट को वैल्यू देना चाह रहे हैं तो किस तरह से हम उनको असाइन करते हैं। अब आइए नीचे देखिए, अगर आपके एरे के ये 6 एलिमेंट हैं तो पहला एलिमेंट कंट्रोल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जब आप किसी एरे के एलिमेंट में वैल्यू को बिठाते हैं, जब भी आप किसी एरे के एलिमेंट में वैल्यू को सेट करते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? एरे का नाम, और ये जो आपने दो स्क्वायर बनाए इसको यहां पर आप कहेंगे सबस्क्रिप्ट। क्या कहेंगे? असाइनमेंट के टाइम आप इसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे, डिक्लेरेशन के टाइम आप इसको कहेंगे साइज डिक्लेरेटर। क्योंकि असाइनमेंट हो रही है तो इसको आगे लिखा हमने इसमें मेंबर का नाम, जैसे कि मैं इस मेंबर में वैल्यू डालना चाह रहा हूं तो उसके आगे मेंबर, असाइनमेंट और फिर वैल्यू, तो वो जाके इस मेंबर में वैल्यू को सेट कर देगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? आर्स सब 0 असाइनमेंट 20, आर्स एरे का नाम, सब सबस्क्रिप्ट का शॉर्ट, 0 मेंबर का नाम एलिमेंट का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर है बीच में, 20। ओके, इसी तरीके से अब एक सवाल है यहाँ पे कि अगर हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं उसके मेंबर्स को, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उसमें वैल्यू नहीं डालते तो क्या उनमें वैल्यू होती है? तो इसका जवाब इजी है कि एरे दो तरह के हम बनाना सीखेंगे, एक होता है लोकल एक होता है ग्लोबल। मतलब हमारा आईडी कार्ड दो तरह से बनता है, एक CNIC नेशनल और एक पासपोर्ट इंटरनेशनल, तो एरे भी दो तरह से डिक्लेयर होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि लोकल एरे जो डिक्लेयर होगा अगर आप उसके मेंबर को कोई वैल्यू नहीं देते तो वो कंसीडर किए जाएंगे ब्लैंक खाली, और ग्लोबल एरे जो भी डिक्लेयर होगा अगर आप उसके मेंबर को कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उनके हर मेंबर की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, जिसको आपने असाइन कर दिया उसकी तो वो वैल्यू सेट हो गई, जैसे 20 कर दिया इसको असाइन। अब आगे चलने, अगर इस स्टेटमेंट से क्या होगा ये हमें बताएगा इमाम। ये हमने लिखा है यहाँ पे आर्ट्स सब 3 असाइनमेंट 30, इससे होगा क्या? चलने से कोड से क्या काम परफॉर्म होगा? इब्राहिम एलिमेंट आर्ट का जो 3 एलिमेंट है जो के उसका काउंट होगा 4th एलिमेंट, उसमें 30 असाइन हो जाएगा, ये इसका काम होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसने आपको बता भी दिया करके, देखिए इसमें 30 असाइन हो गया। अब हम आते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ जिसका नाम है इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग एरे कंटेंट्स। किसी भी एरे के अंदर इनपुट कैसे लिया जा सकता है उसके एलिमेंट में, और उसका आउटपुट कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां से डेव प्लस लिख लेता हूं और इसको खोल लेता हूं, फाइल में जाके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहां से इस वाले प्रोग्राम में चले जाते हैं। इस प्रोग्राम में देखें ये दो लाइन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये कमेंट्स हैं और ये भी कमेंट्स हैं, ये वाली लाइन भी पूरी और ये भी कमेंट्स है। ठीक है, अब पहले देखते हैं प्रोग्राम का, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे लिखा गया है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कंप्लीट है, चौथी लाइन भी सेट है, ब्रैकेट ओवर हो गया, रिटर्न 0 आ गया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है। सो नाउ अब अरसलान बताएंगे, अरसलान इस लाइन के लिखने से क्या काम होगा, क्या क्रिएट होगा? नहीं, जब प्रोग्राम चलेगा तो इस स्टेटमेंट के लिखने से क्या होगा? नहीं, हाँ अहमद तो खिला, हाँ भैया आप बताए, एक्सेलेंट, क्या किया आपने?
एक एक्स कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नेम अंडरस्कोर अप्लाइज, और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और इसके की जो वैल्यू सेट की है असाइनमेंट 6 की है, ठीक है ना। नेम एम्प्लॉइज तो उसका नाम रखा है ना, एक कांस्टेंट डिक्लेयर हुआ है, सही है। अब ये लाइन जो लिखा है इंट आर और नेम एम्प्लॉइज, इस लाइन के लिखने से क्या होगा, मिसन इस कमांड को लिखने से क्या होगा इब्राहिम, सिक्स वाले एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है आप बताएं। आप बताएं एलिमेंट में लिखा जाएगा, बताएं तुम बताओगे, आप बताएं। एक्सीलेंट, एक एरे डिक्लेयर होगा जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखने से उसके मेंबर डिफाइन हो जाएंगे 6। ये कमांड हुआ, एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर होगा, इंटीजर एरे जिसके नम एम्प्लॉइज लिखने से उसके मेंबर्स यानी कि उसके मेंबर्स डिफाइन हो जाएंगे 6। अगर मैं यहाँ 7 कर दूंगा तो 7 हो जाएंगे। ये हमने स्टार्ट लिया था, तो ये दोनों स्टेटमेंट को यहीं से शुरुआत की थी। आप, मुझे लग रहा है कि शायद आपके कानों में वॉइस चेंजर लगा हुआ है और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको चाइनीज में समझ में आ रहा है ना, तो आपका तो कसूर है ही नहीं इसके अंदर, वो तो वॉइस चेंजर है, वो चाइनीज में बता रहा है, वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहीं से कहानी शुरू हुई थी और कहानी के शुरू में ही बताया गया था सवाल पूछा जाएगा और नहीं हुआ, ठीक है। चले अब चलते हैं यहाँ पे आगे प्रोग्राम में। हमने एक मैसेज दिखाया सी आउट इंटर द आर्स वर्क बाय, और यहाँ पे लेस देन करके नम एम्प्लॉइज लगाया है। तो अब हमें बताएंगे कि यहाँ पर नम एम्प्लॉइज जब लिखा है तो यहाँ पे जब प्रोग्राम चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा। हाय इब्राहिम, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा, 30 तो बोल लो, हाँ बताएं, 6 आएगा, एक्सीलेंट। चलो ये बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि नम एम्प्लॉइज एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या डिफाइन गई है ऊपर 6, तो ये आउटपुट में भी क्या आएगा 6 और आगे एम्प्लॉइज दिखाएगा। और फिर हमने इनपुट लिया 6 के 6 एलिमेंट में, किस तरह सी इन ग्रेटर देन एरे का नाम, फिर यहां पर इसको हम क्या कहेंगे मिसम, क्या कहेंगे इसको, सबस्क्रिप्ट कहेंगे, असाइनमेंट में हम इसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे, यहां पर हम इसको कहेंगे साइज डिक्लेरेटर, जब हम साइज को डिक्लेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके आगे मेंबर 0 में इनपुट लेगा, 1 में इनपुट लेगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह एक एक मेंबर में इनपुट लेगा अलग अलग। फिर उसी का आउटपुट बनाया सी आउट द आर्स यू एंटर्ड आर, और उसके बाद सी आउट लेस देन, फिर यहाँ पर एरे का नाम, और फिर से सबस्क्रिप्ट 0, 1, 2, तो 6 के 6 एरे के एलिमेंट का डेटा आउट कर देगा। ये चला के देखते हैं प्रोग्राम, तो देखिए इंटर एम्प्लॉइज बाय 6 एम्प्लॉइज, और यहाँ पे हमने लिखा 77, 33, 44, कुछ भी वैल्यू हमने इनपुट करी, और ये देखें इसका आउटपुट इसने इस तरह से बना के दे दिया। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एरे क्या होता है, साइज डिक्लेरेटर क्या होता है, टाइप क्या होती है, डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल के साइज, एरे के साइज, सबस्क्रिप्ट क्या होती है, इसको इनपुट कैसे लेते हैं एलिमेंट में, आउटपुट कैसे लेते हैं, और इसी का कल आपका टेस्ट कंडक्ट होगा मोबाइल के ऊपर, अपने अपने मोबाइल, और उसमें छोटा मोटा एक पैकेज 1 MB 2 MB का करके आएगा, तो आपको जो टेस्ट है वो उस पर सेंड किया जाएगा और आपने उसी टाइम